चलिए एक और अपडेट मैं यहां पर दे दूं। पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी की हत्या के मामले में सीबीआई ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम बीआर अंधालकर है। अंधालकर महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर हैं। सतीश शेट्टी की हत्या 13 जनवरी 2010 को हुई थी। सतीश की शिकायत पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आईआरबी कंपनी के गलत तरीके से जमीन लेने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके 3 महीने बाद ही सतीश की हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में आईआरबी के डायरेक्टर वीरेंद्र महेश्वर का भी नाम आरोपी के तौर पर इस समय मौजूद है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस पे पूरी अपडेट देने के लिए, संतोष। संतोष, इनफैक्ट पूरे मुद्दा समझाएं और ये जो नाम निकल के आ रहा है इस पे क्या अपडेट है आपके पास? एक मामले की जांच कर रही थी जिसमें पुणे के कार्यकर्ता, जो आरटीआई कार्यकर्ता है सतीश शेट्टी, उनकी हत्या हुई थी 13 जनवरी 2010 को। और उनकी हत्या के पीछे की जो वजह बताई जा रही थी, जमीन का जो फर्जीवाड़े की तरीके से आईआरबी कंपनी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे लिया था। यहां पर आईआरबी ने 2006 के अपने आईपीओ में ये कहा था कि वो एक टाउनशिप बनाने की बात कर रहे की थी और वहां पर जो जमीन ली थी वो फर्जी तरीके से ली थी। इस बात की जानकारी जब सतीश को लगी, सतीश ने इसकी शिकायत की और फिर 2009 को एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके 3 महीने बाद ही सतीश की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक आरोपी सीबीआई को केस गया था और उस मामले में एक आरोपी बीआर अंधालकर, जो उस समय लोकल पुलिस के आईओ थे, उनकी गिरफ्तारी की है। और साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि 2 मामले चल रहे हैं आईआरबी के खिलाफ, एक फर्जी तरीके से जमीन लेने का मामला और दूसरा आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी का मामला। तो इन दोनों ही मामलों में आईआरबी के जो एमडी हैं वीरेंद्र दत्तात्रेय माहेश्वर, इन ये बतौर आरोपी हैं इसमें। जी बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए।